दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली पुलिस की लापरवाही ने एक 22 साल के नौजवान की जान ले ली है। उत्तरी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में पुलिस की बैरिकेडिंग में लगे तार से कटकर अभिषेक नाम के युवक की जान चली गई। दरअसल बुधवार देर रात की बात है, अभिषेक एक शादी से अपने घर वापस लौट रहा था। रात को करीब 1 बजे पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी और बाइक पर सवार अभिषेक को तार दिखा नहीं। ये देखिए कैसे बाइक उसकी एक तरफ गिरी हुई पड़ी नजर आ रही है, जो तार है वो गले से लगा। ये देखिए ये तार आप देख रहे हैं, यही वो तार, ये दिखा नहीं उसको रात के अंधेरे में, और इसी तार से अभिषेक की गर्दन कट गई। ये देखिए बैरिकेड रखा हुआ है और तार बांध रखा है। दूर से अगर कोई आ रहा हो रात के अंधेरे में, उसे कैसे नजर आएगा ये तार? अभिषेक को भी तार नजर नहीं आया, वो अपनी बाइक पर आ रहा था और यही तार उसकी गर्दन में अटकी, उसकी गर्दन कट गई। अभिषेक वहीं बाइक से नीचे गिर गया और बाइक आगे फिसलती चली गई। यहीं गिरकर अभिषेक की मौत हो गई। 22 साल का था अभिषेक। अभिषेक के पिता ड्राइवर हैं, कभी कभी अपने पिता का साथ भी देता था। इसके अलावा पार्ट टाइम शादियों में DJ बजाता था अभिषेक। दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए भी वो तैयारी कर रहा था। ये हम आपको CCTV फुटेज भी दिखा रहे हैं। देखिए कैसे अभिषेक तो वहीं पीछे तार में उसकी गर्दन अटकी और वहीं गर्दन कटी, वो वहीं गिर गया, और बाइक कैसे आगे आकर गिरी, बिना चालक की ये बाइक आगे आकर गिरी। CCTV में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। तो दिल्ली पुलिस की ये सीधी लापरवाही जिसने एक नौजवान की जान ले ली, ये है अभिषेक, 22 साल का अभिषेक। पिता गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी अपने पिता का साथ देता था, पिता की गाड़ी चलाता था, इसके अलावा पार्ट टाइम शादियों में DJ बजाता था। दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना था अभिषेक का, तैयारी कर रहा था उसके लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस की ही लापरवाही जिसने इस होनहार नौजवान की जान ले ली। राजधानी दिल्ली में पुलिस की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि शकूरपुर इलाके में देर रात 1 बजे के करीब अभिषेक नाम का एक शख्स अपने घर जा रहा था, और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर ये जो तार है इस बैरिकेड के साथ बंधी हुई थी। ये बैरिकेड बीच में लगाया गया था रोड को ब्लॉक करने के लिए, और ये तार उसके साथ बंधी हुई थी। जैसे ही अभिषेक अपनी बाइक से अपने घर की तरफ बढ़ा, अंधेरा होने की वजह से उसे तार नजर नहीं आई और तार उसके गले के अंदर फंस गई और अभिषेक यहीं पर गिर गया। इसके बाद मामले की जानकारी अभिषेक के परिवार को दी गई। अभिषेक का परिवार यहां पर पहुंचा और अभिषेक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि यह बहुत बड़ा लापरवाही का मामला है दिल्ली पुलिस का। यहाँ इलाके के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बैरिकेड के पास उस वक्त कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था, सिर्फ बैरिकेड को इस खंभे के साथ बांधा गया था। और इस मामले में जब हमने आला अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने जो इलाके के SHO हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है और 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है लापरवाही का। इतना ही नहीं, 1.5 महीने पहले भी एक शख्स ऐसे ही इस तार में फंस गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज दिल्ली। SHO लाइन हाजिर, 7 पुलिस वाले सस्पेंड, लेकिन क्या इससे 22 साल के अभिषेक की जिंदगी वापस आ जाएगी? अभिषेक की मौत के बाद घर पर आपको पता उसके मातम पसरा हुआ है। इस वक्त अभिषेक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते उस नौजवान की मौत हो गई और इस वक्त उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे पता चला आपको, क्या कब हुआ था? भैया 3 बजे फोन आया जी, इसके पापा गए, इसके पापा तो देखा आगे खत्म हो गया था मेरा बेटा। उसके बाद मैं गई और लोग भी गए, हमें नहीं मिलने दिया। लोग कह रहे आ सके नहीं आया, हमें नहीं मिलने दिया। मुझे रात टाइम आगा तड़पते हुए। अभिषेक कहाँ गया हुआ था और कहाँ से वापस आ रहा था? शादी में जा रहा था, DJ लगा के घर आ रहा था मेरा बेटा, DJ लगा के घर आ रहा था वहाँ से।
मेरा बेटा बहुत मेहनती था, मेरा बेटा बहुत काम करता था, पूछ लो इनसे भी ज्यादा हाइट थी मेरे लड़के की, मेरे लड़के की इतनी। भैया मेरे को फांसी लगा दो, अरे मुझे। इस परिवार के दर्द को हम समझ सकते हैं, एक नौजवान की मौत हुई है और जो अभिषेक की माँ है उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार यही चाहता है जिन पुलिस वालों ने ये सब किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। परिवार में मातम है। लापरवाही का ये मामला सिर्फ एक बार सामने नहीं आया, इससे पहले भी नवीन नाम का एक शख्स इसी बैरिकेड के साथ बंधे तार में फंस चुका है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही, वो बच गया था। हम आगे आपको बताएंगे नवीन के बारे में भी, लेकिन पहले परिवार में किस तरीके से मातम है, चाचा क्या कह रहे हैं अभिषेक के, ये देखिए। शाम को शादी थी घर के पास ही, तो कुछ शादी में गया हुआ था, तो रात को शादी से वापस घर लौट रहा था। ये इसी रास्ते से, ये एफ ब्लॉक का रोड है शकुरपुर के, तो यहाँ से वो घर लौट रहा था। साइड में यहाँ बैरिगेट खड़ा हुआ था और उस बैरिगेट को एक तार से, जो तार आप खंभे को रोकने के लिए बांधे जाते हैं मोटे वाला तार, उसको सड़क के दूसरी ओर बैरियर गेट से लॉक किया गया था। दोनों तरफ से उस तार को लॉक किया गया था। अंधेरा यहाँ इतना था रात को 1:30 बजे के करीब कि कुछ दिखा नहीं। वो जैसे ही बाइक से सीधा आ रहा था, तो उस बाइक से आते समय उसकी गर्दन पर वो तार अड़ा और उसका जो वॉकल पाइप है, उस वॉकल पाइप में ब्लॉकेज हुआ और वो बाइक से गिरकर ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। यहाँ से कुछ लोगों ने 15-20 मिनट तक बता रहे हैं यहाँ के लोग कि 10-15 मिनट तक वो यहीं पड़ा हुआ तड़प रहा था, लेकिन कोई आया नहीं मदद के लिए। ये इलिटरेसी को शो करता है इंडिया की सबसे बड़ी चीज। फिर यहाँ से जैसे तैसे उनको जब नियर बाय हॉस्पिटल में रश कराया गया, अपना भगवान महावीर हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे बात हो गई, तो हम लोग वहाँ, क्योंकि ये रास्ते से ही दूसरे वाला भाई जो है वो बाइक से आ रहा था, रास्ते पर बैरियर गेट जब उनका मन करता है वो तब इसको लगा देते हैं और जब मन नहीं करता तो नहीं लगाते, ये ऐसे ही साइड में पड़े रहते हैं। देयर वाज नॉट अ कॉप, कोई भी कॉप नहीं था यहाँ, कोई भी पुलिस वाला नहीं था। तार बांध दिया, काम खत्म, अपने घर बैठे हैं बस। तो बताइए, ये दिल्ली पुलिस की लापरवाही नहीं है तो क्या है? दिल्ली पुलिस की लापरवाही जिसकी वजह से 22 साल के एक लड़के की जान चली गई। और देखिए कि पहला मामला नहीं है, पहले भी इसी जगह पर ऐसे ही हादसे पेश आते रहे हैं और इसी तरीके से एक और नौजवान जो जख्मी हुआ था उसका नाम नवीन, लेकिन गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई। जरा उसकी आप बीती भी सुनिए। ये बताओ कि आपके गले पे निशान कैसे आया? जी सर, मैं 1.5 महीना पहले आ रहा था कहीं बाइक से, तो रात में 12:30-1 की बात है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने हेलमेट लगा रखा था, तो वो हेलमेट में जैसी मैंने गाड़ी 20 की स्पीड में दी, तो मैंने आगे की तरफ निकाली ना, तो पहले वो गाड़ी के मरघाट पे लगते ही वो सीधा मेरे यहाँ रोल होके, फिर मैंने इतने में गाड़ी छोड़ दी, क्योंकि गाड़ी अगर पकड़ा रखता तो इतने में तो वो फिर ब्लॉक हो जाता पूरा। मैंने गाड़ी छोड़ते के साथ मैं वहीं गिर गया। फिर मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करा, फिर घर वाले आए, फिर हॉस्पिटल में दिखाया, फिर उन्होंने बताया कोई ऐसी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या था ये, हुआ कैसे था, क्या हुआ? ये हुआ था, वो बैरिगेट लग रहे थे, बैरिगेटों पे वो लगे हुए थे तारे, वो किसी को दिखी नहीं, तो इस वजह से वो गाड़ी से लेक के वो सीधा गले पे। तो आपने इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं की? नहीं। तो दिल्ली पुलिस की लापरवाही जिसकी वजह से 22 साल के अभिषेक की जान चली गई, और आरोप ये लग रहा है कि जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहां पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। कुछ ही देर पहले आपने सुना था अभिषेक के चाचा ने खुद ये बात एबीपी न्यूज को बताई। अब नियम क्या कहते हैं बैरिकेडिंग लगाने को लेकर, आइए जरा ये आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से। बैरिकेडिंग लगाने को लेकर नियम क्या कहते हैं, बैरिकेडिंग की जगह पुलिस वाले जरूर मौजूद रहें, बिना पुलिस की मौजूदगी के बैरियर्स नहीं लगाए जा सकते। जहां बैरिकेडिंग की जाए उस इलाके में रोशनी की व्यवस्था हो, बैरिकेडिंग के दौरान यातायात के लिए स्पष्ट निर्देश जरूर रहें, लेकिन इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई उस जगह पर जहां अभिषेक इस बैरिकेड के साथ जो खंभे से एक तार बांधी गई थी उसी तार में अटका, उस तार ने सीधे अभिषेक का गला काटा और अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि ना तो वहां पर कोई पुलिस वाला मौजूद था ना ही वहां रोशनी थी, घुप अंधेरे के बीच बैरिकेड जिसे तार के साथ खंभे से बांधा गया था, और यही तार जानलेवा साबित हुई 22 साल के अभिषेक के लिए।
पुलिस ने लापरवाही के आरोप में इलाके के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है। 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, लेकिन आपका चैनल एबीपी न्यूज सवाल ये पूछ रहा है कि क्या ये कार्रवाई काफी है? जान चली गई है 22 साल के एक लड़के की, क्या उसकी जिंदगी वापस आ सकती है? इस तरीके की लापरवाही जो पुलिस की तरफ से की गई, उसके लिए क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना ही काफी है? और आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसे लेकर क्या पुलिस कोई पुख्ता कदम उठाएगी? नियमों की धज्जियां ना उड़ाई जाए बैरिकेडिंग लगाने में, क्योंकि नियम तो बने हुए हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता, क्या इसके लिए आश्वस्त किया जाएगा पुलिस की तरफ से? केस दर्ज करके हमने एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है और कंसर्न जो बीट स्टाफ था, जिनका नेग्लिजेंस था, वो बीट स्टाफ को हमने सस्पेंड कर दिया है। लाइन हाजिर एसएचओ हुआ है और बीट स्टाफ सस्पेंड हुआ है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई। इसी तरह की जो है ना व्यवस्था चारों तरफ डिस्ट्रिक्ट में रहती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं रहती है। ये बैरिकेड पे बैरिकेड चार होते थे, चार बैरिकेड पे तार बांधा जाता था। परसों रात में ये चार बैरिकेड में से दो हटा लिए गए, इसलिए तार है। ये नेग्लिजेंस रही है कि तार हटाए गए, वो बैरिकेड हटा के भी तार रखा गया है। दैट वाज द नेगलिजेंस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा यूजुअल नहीं है, ये नेग्लिजेंस है स्टाफ की। इसी नेग्लिजेंस पे हमने एक्शन लिया। तो ये अच्छी बात है कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ, हमारी तरफ से ये लापरवाही हुई है जिसकी वजह से ये कार्रवाई भी पुलिस वालों पर की गई। लेकिन देखिए किस तरीके से पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, बाकी जगह ऐसा नहीं होता है, जबकि आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमारे शहरों में जब बैरिकेडिंग की जाती है तो क्या वहां इन नियमों का पालन किया जाता है। अगली बार से जब आप बैरिकेडिंग देखें अपने आसपास तो जरूर गौर फरमाइएगा इस बात पर कि क्या वहां नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर इलाके के पुलिस थाने में जाकर इस बाबत ध्यान उनका जरूर खींचे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।